हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो टेंथ के बाद 3 ईयर का टेक्निकल डिप्लोमा करते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। फिर चाहे स्ट्रीम कोई भी हो, आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चन है बच्चों के माइंड में, क्या डिप्लोमा करने के बाद वो स्टडी अब्रॉड के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उसके बाद जो डिप्लोमा है उनका वो इक्विवेलेंट टू 12th कंसिडर होगा या नहीं होगा, डिप्लोमा के साथ उनको आयल्स करना चाहिए या पीटी करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं उनके माइंड में। मैं कोशिश करूंगा उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप स्टडी वीज़ा की किसी भी कंट्री की फाइल लॉन्च करना चाहते हैं तो हमारी कंपनी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, ना वीज़ा लगने से पहले ना वीज़ा लगने के बाद, आप जीरो प्रोसेसिंग फीस के साथ अपनी स्टडी वीज़ा की फाइल का प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हैं। आप इंडिया से हैं, आप किसी अनदर कंट्री से हैं, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा, सिंगल विजिट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आज के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वोहरा अनीश जी का क्वेश्चन है, ए पर्सन पास आउट इन 2012 एंड ही कम्प्लीटेड हिज डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैन गो कैनेडा इन स्टडी वीज़ा फॉर बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल विद PTE। ये एक क्वेश्चन है बच्चे के माइंड में कि उन्होंने 2012 में मैकेनिकल का डिप्लोमा किया हुआ है 3 ईयर का आफ्टर 10th, उसके बाद क्या वो बैचलर डिग्री के लिए जा सकते हैं मैकेनिकल की और विद PTE। जहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़, जो आपका डिप्लोमा है उसको इक्विवेलेंट टू 12th कंसिडर किया जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने डिप्लोमा किया है या आपने 12th किया है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका एकेडमिक स्कोर कितना है, डिप्लोमा का जो स्कोर है आपका वो कितना है। दूसरा, आपके पास कितनी सप्लीज हैं, क्योंकि 12th में बहुत कम चांस होते हैं कि बच्चों के साथ सप्ली होती है एक या दो, मगर डिप्लोमा में 6 सेमेस्टर होने के कारण काफ़ी सप्लीज जब बैकलॉग हो जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने हैं। थर्ड चीज़ इसमें कंसिडर होती है कि जो आपका डिप्लोमा है वो एक्सटेंडेड है या इन टाइम है। अगर इन टाइम है, आपका स्कोर अच्छा है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की या किसी भी तरह की बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। आप UG डिप्लोमा 2 साल का, जो कनाडा में सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा बच्चे लेते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हो। आप PTE करेंगे आप जब आयल्स करेंगे, देखिए आयल्स का जो सक्सेस रेट है वीज़ा का कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत अच्छा है, अगर हम कंपेयर करते हैं PTE से। मगर ऐसा नहीं कि आप PTE के साथ नहीं जा सकते। जब आप PTE सिलेक्ट करते हो तो बहुत सारे अभी भी कनाडा में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर चाहे वो कॉलेज हैं, जो PTE को एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसमें क्या होता है कि आपके ऑप्शंस कम हो जाते हैं। अगर आपने आयल्स किया हुआ है और आपका डिप्लोमा है 3 ईयर का और आपके पास 6 ईच का स्कोर है, तो आप मानकर चलिए कि आप 98% कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो कनाडा में हैं किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास PTE है तो आपका कम से कम 40% जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके पास जो ऑप्शंस रह जाते हैं वो जस्ट 60% रह जाती हैं, मगर आप फिर भी जा सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल, अगर किसी भी बच्चे को जो डाउट है कि ये मेरा डिप्लोमा है, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, PTE किया है, आयल्स किया है, या क्या करना चाहिए, तो आप 9551760001 पे कभी भी अपनी प्रोफाइल शेयर करिए। जो आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद हमारी टीम आपको सजेस्ट करेगी कि आपको कौन से कोर्स में जाना चाहिए, किस लोकेशन पे जाना चाहिए, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, आपको आयल्स करनी चाहिए, PTE करनी चाहिए, हर एक चीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपने हमारे साथ फाइलिंग करनी है या नहीं करनी, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं। आप कहीं से भी फाइलिंग कर रहे हो, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आपके कंसल्टेंट आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे, तो भी आप हेल्प के लिए भी 9551760001 पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे जो एफर्ट्स अच्छे लगेंगे। मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।